नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर बापू, आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? रामसरण। हाँ बाबा जी, यहाँ का महापुरुष जो भी है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं जी? ये हमारे 14 साल की आयु में, हकीकत राय जी हैं ये, 14 साल की आयु में इनका सर कलम कर दिया गया था, इनका सर धर्ज काट दिया गया था। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुसलमानों ने इनको थोड़ा सा प्रताड़ना किया लेकिन इन्होंने मना कर दिया, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, इसलिए तो इनको 14 साल की उम्र में इनका जो सर है घर से कलम कर दिया गया। ये उधम सिंह जी हैं जो अमेरिका जाके वहाँ के जो जनरल डायर जो थे वहाँ के जाके गोली मार के आई थी इन्होंने जी जी। और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने जो मतलब इन्होंने जो क्रांतिकारी जी हैं और वो हमारे महर्षि भास्कराचार्य जो जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, उसके बाद जो आते हैं चरक संहिता महर्षि चरक जी, वो आयुर्वेद के विशारद हैं। आयुर्वेद का जितना भी जड़ी बूटी वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को ठीक करने के लिए कैसे कैसे कौन कौन सी जड़ी बूटी किस चीज में आती है उसके बारे में उन्होंने किया था। आर्यभट्ट जी जिन्होंने सुनने की खोज की थी, गणितज्ञ थे, उन्होंने पूरा किया था। ये महर्षि कणाद जी हैं जो परमाणु संरचना करते हैं, उनके बारे में इन्होंने खोज किया था परमाणु संरचना के बारे में। और उसके बाद आते हैं हमारे नागार्जुन जी, रसायन शास्त्री, ये रसायन शास्त्री है, उन्होंने रसायन शास्त्र के बारे में बहुत सारी ऐसा खोज किया, घोषित किया जी, घोषित किया। उसके बाद आते हैं हमारे महर्षि बोध्यान प्रमेय, इनके बारे में थोड़ा सा मैं कम जानता हूँ है ये। और ये महर्षिनी समदितनी जी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी की, ये श्री कृष्ण जी के गुरुदेव जी जी। उसके बाद आते हैं विश्वामित्र जी, विश्व जो श्री राम जी के गुरु जी हैं, गुरु जी जी। और ये महर्षि वेदव्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत ग्रंथ रचिता है, महाभारत जो जिन्होंने लिखा है ये है वो वेदव्यास जी। उसके बाद है ये स्वामी बिरजानंद जी जो हमारे दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे, ये देख नहीं पाते थे, ये बहुत कम आयु में इनकी आंखें चली गई थी, बिना आंखें देखे ना, ये व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, ये बिना देखे और ऐसी पढ़ के श्रवण से सुन के इन्होंने व्याकरण को याद किया था, व्याकरण जितने भी ग्रंथ है ना वो श्रवण से याद किए थे सुन के जी। और ये महर्षि कणाद वायुयान के वायु विज्ञान मतलब हवा में कितनी सारी गतिविधियां होती है उनके उनके बारे में इन्होंने खोज करी। और फिर उसके बाद आते हैं महर्षि अगस्त जी, ये बिजली के जो जितने भी आविष्कारक लगभग थे ना ये इन्होंने उस समय कर रखी थी अगस्त्य जी। उसके बाद आते हैं हमारे भरद्वाज जी जो वायुयान की खोज के थे, मतलब भरद्वाज जी इन्होंने इनके पास ना यान थी ये वायुयान, पहले जो बोलते हैं ना अभी की 1800 कुछ में राइट ने किया था करके, नहीं उससे पहले काफी समय पहले हो गया था, 2000 साल पहले अपने पास थे। उन्होंने ऐसा घोड़े का आविष्कार किया था जो तेज दौड़ती भी थी और ऐसे तेज गति से चलती भी थी और हवा में उड़ती भी थी, ये थी उनकी, तीन तरीके से उन्होंने बना के रखा था एक ही चीज में हवा की। इनका शास्त्र अभी भी मिल जाता है, नहीं मिलने वाला बात नहीं है। उसके बाद आते हैं पांडे जी, ये है व्याकरण शास्त्र के, इन्होंने अष्टाध्यायी जो सूत्र हम अब जो पढ़ते हैं अपन लोग अष्टाध्यायी सूत्र, उसके बारे में इन्होंने जो शास्त्र बनाए हैं बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो इसको पढ़ने के बाद ही आप वेद को समझ सकते हैं, व्याकरण को बिना पढ़े आप वेद को वेद का अर्थ नहीं कर सकते। वाह वाह ये है। उसके बाद आते हैं हमारे कपिल मुनि जी के शास्त्र, उन्होंने सांख्य शास्त्र के बारे में व्याख्या की हुई है। महर्षि पतंजलि योग गुरु, पतंजलि जो हम लोग अभी उतने समय अध्ययन कर रहे थे, पतंजलि योग दर्शन के बारे में इन्होंने जो पतंजलि के बारे में जो लिखा ना तो इन्होंने लिखा। छत्रपति शिवाजी तो सभी जानते हैं, परिचय देने की आवश्यकता है नहीं। महाराणा प्रताप जी इनके बारे में सभी जानते हैं, सांगा जी, राणा कुंभा जी, प्रताप सिंह जी, सोहन लाल जी, और ये हमारे बंदा वैरागी जी हैं। ये जो है इनके बारे में कुछ विशेष है, ये जो थे ना इनको ना गुरु गोविंद सिंह जी ने थोड़ा सा प्रेरणा दी थी, ये आपके तरफ की है, दक्षिण से ये क्षत्रिय कुल के थे लेकिन इन्होंने संन्यास ले लिया था, तो इनके पास क्या गुरु गोविंद जी को जब पता चला कि ऐसे विद्वान और प्रकांड थे कि ये ना एक बार कम उम्र में 17 साल की उम्र में इन्होंने एक बार शिकार में गए थे तो घोड़े से जा रहे थे तो हिरण को उन्होंने बाण से मारा तो हिरण वही मर गया। जब वो हिरण के पेट को जब उन्होंने फाड़ा ना तो उसके अंदर से ना बच्चा निकला, तो इनको ना देख के ना ये थोड़ा सा वो हो गए, उदास हो गए, और उसके बाद इनको फिर वैराग्य हो गया उस कांड घटना के बाद से। फिर अब ये उसके बाद फिर एकदम सन्यासी के रूप में अपने घर वर को छोड़ छाड़ के जंगलों में ऐसी
रहना चालू कर दिया, ये इनका ये था। फिर उसके बाद कुछ समय तक का तो ऐसे काफी प्रकांड थे और काफी प्रचार वो थे, मतलब इनके बारे में सभी लोग जानते थे कि ये ऐसे ऐसे हैं करके। गुरुविंद जी को जब पता चला ना कि ये छत्री हैं और इसमें चला गए हैं करके, तो ये सन्यास ले लिए करके। तो इनको आके ना गुरु गोविंद जी ने इन्हों कहा कि भाई सन्यासी तो समाज की सुरक्षा भी करते हैं, सिर्फ वो नहीं करते। तो उनसे प्रभावित होके इन्होंने दक्षिण से पूरा यहाँ तक का पंजाब तक का लगातार मुसलमानों को इतना मारा, इतना खदेड़ा कि पूरा किले जीत लिए थे। इनसे डरते थे, डरते थे, इनको इनको ऐसा समझते हैं कि इनको थोड़ा सा ओ मतलब इनके ऊपर जीन आते हैं, ऐसा ऐसा करके बोलते थे, इनसे डरते थे। और एक कई कई तीर एक बार लगातार छोड़ते थे, ज्यादा समय की बात नहीं, लगभग कुछ ही समय की बात है। तो उस समय फिर क्या है, कुछ गुरु गोविंद सिंह के जो थे ना, उनको सिखों को ना भड़का के ना इनके विरुद्ध कर दिए और उनके लिए लड़ते थे। तो फिर उसके बाद इनको पकड़ के इनके जो बच्चे हैं इनको पकड़ के ले जाके इनके बच्चे का सीना, इनका बच्चा जो था मुश्किल से 2 साल का था, 2 साल के बच्चे का सीना फाड़ के उनके कलेजे उनके मुंह में ठूसा गया था। तब भी इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और उसके बाद इनको इनके आंखों में ना सुराखें घुसाई गई, उसके बाद भी इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इनके एक एक मांस को ना ऐसे नोचा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ये विशेष है हमारे गंता बैराग जी, ये उनके बाद इनका नाम था लक्ष्मण जी करके, हाँ मुख्य नाम था, और लेकिन उनके बाद ये जो उपाधि मिली थी बंदा वैरागी करके जी। और ये हमारे आचार्य जी हैं, मतलब स्वर्गीय आचार्य जी, ये हमारे बलदेव आचार्य जी हैं, जो अच्छा। हमारे आचार्य जी के भी आचार्य जी हैं जी। तो ये आचार्य जी हैं अभी कुछ समय पहले इनका, और ये हरिदास राम जी, हरपुल सिंह जी, अशफाक उल्ला खां, ये जो है अशफाक उल्ला खां, ये जो हमारे राम प्रसाद जो बिस्मिल जी हैं उनके सहयोगी थे ये। अच्छा। हाँ उनके सहयोगी थे। और ये कहते थे कि काश मैं भी आप लोग सनातनी होता, ताकि सनातनियों के जो है मतलब हिंदू होता, कि क्योंकि हिंदुओं के में पुनर्जन्म होता है, हम लोगों में पुनर्जन्म नहीं होता, आप लोग धन्य हो ऐसा करके इनका एक कहना था। और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत सहयोग करते थे। ये वीर सावरकर जी हमारे, श्यामा प्रसाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये वही काकोरी कांड वाला जो था ना, ट्रेन लूटने वाला जो, इनके देख रेख में होता, ये उनके मुख्य थे, ये थे। ये अपने आप इनको ना, इनके दोस्तों ने भी मानने की इनको बहुत कोशिश की थी, इनके विपरीत जाके, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। इनके घर में तो सब मान गया था कि ये खत्म हो चुके हैं करके, लेकिन फिर भी ये वापस आ गए। और इनको जब फांसी देने वाले थे अंग्रेज, उसके एक दिन पहले अपनी जीवनी लिखी थी इन्होंने। और जो एक क्या बोलते हैं उसका, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो भूल गए थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी उनको बताऊंगा, ठाकुर जी, लाला लाजपत राय जी, और राम प्रसाद जी है जो ना लाला लाजपत जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा इन्होंने लिया था। अच्छा जी, ये थे भगत फूल सिंह महाशय, ये स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने 1 लाख, 1 से 5 लाख के बीच में मुसलमानों का घर वापसी कराया था। जो मुसलमान बन गए थे वापस हिंदू बनाया था। वाह वाह। मुसलमानों ने क्या किया कि अब ये तो लगातार हमारे जितने भी है तो हमारे लोगों को वापस ले रहे हैं करके, तो इन्होंने क्या किया कि अभी उन षड्यंत्र करके तो आए कि अब आप हमारे साथ, मैं भी आपके साथ अपने घर वापसी कराना चाहता हूँ। तो ये खाना खाने के लिए अपने कक्ष में गए, और जो स्वामी जी के जो खाना बनाते थे रसोइया थे, वो कहीं कुछ दूध लाने के लिए उनके लिए, तो उसी बीच में इनको फिर पीछे से गोली मार के इनको मार दिया गया। ये थे इनका। और ये है धर्मवीर सिंह लेखक जी, और ये हमारे मुख्य स्वामी जिनका अभी हम 7 प्रकाश अध्याय कर रहे थे, दयानंद सरस्वती जी। ये हमारे दयानंद सरस्वती। और ये विरजानंद जी, वही जिन्होंने बिना देखे शास्त्र को जो याद किए थे, वो है श्रवण से, और किसी प्रकार कोई दिक्कत